ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः। एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर आज आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। विश्व स्वच्छता के इस महाअभियान में इस चैनल के द्वारा जो धूम मचे जा रही है और जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं वो तारीफ़ काबिल है। आज इसी श्रृंखला में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुखाम का इलाज। जुखाम से व्यक्ति परेशान हो जाता है, नाक बहने लगता है, तो आइए विभिन्न प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम, लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर, स्मॉल फिंगर बाईं पर, तर्जनी दोनों भ्रुगुटियों के बीच, मिडल फिंगर ललाट के बीच में, रिंग फिंगर को फ्री करें। अभी हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है। यह सूर्य भेदी का पहला प्रयोग है, ये आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। ये दोनों प्रयोग सूर्य विधि प्राणायाम के हैं। दोनों प्रयोग आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब लोग हम करेंगे अनुलोम विलोम। पुनः मुद्रा बना लीजिए, सेम पोस्चर, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें, पुनः लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। इसी तरह अल्टरनेट ब्रीदिंग, इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। ये आप 5 से 10 आवृत्ति ये कर सकते हैं। ये तीनों प्राणायाम करना है। चौथा मुद्रा, लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां राइट कान के नीचे और राइट हैंड की 4 उंगलियां लेफ्ट कान के नीचे, यह है काखी मुद्रा। सर्दी खांसी जुखाम में जबरदस्त राहत मिलती है। 10 से 15 मिनट 5 मिनट अपनी सुविधा अनुसार अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार आप बैठ सकते हैं, तुरंत इसमें आपको राहत मिलती है और शरीर में गर्मी होना शुरू हो जाता है, गला साफ होने लगता है और नाक साफ होने लगता है। या 5 मिनट से लगा के 15 मिनट तक अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऊपर, ये मुद्रा, इसे शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। इससे भी सर्दी जुखाम ठीक होता है। ये आप कर सकते हैं 10 मिनट आधा घंटा, लेकिन ये मुद्रा करते समय विशेष ध्यान रखें, लिक्विड पदार्थ ज़्यादा लें या पानी ज़्यादा में पिए, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत बढ़ती है। इसके अलावा आप सूर्य मुद्रा भी कर सकते हैं। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहे, यह सूर्य मुद्रा जुखाम में यह मुद्रा भी अच्छा काम करती है। इसकी भी समय सीमा 45 मिनट है, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपको समय मिले वैसा आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्राणायाम के प्रयोग और ये आपको मुद्रा के प्रयोग बताए। अब हम जुखाम के लिए आसन करेंगे। सबसे पहले आसन करेंगे सिंहासन। तो आप वज्रासन में बैठे हैं, जिनके घुटने में दर्द है वो वज्रासन में ना बैठे, सुखासन में बैठ सकते हैं। तो ये अब मैं हम कर रहे हैं सिंहासन। पैरों में फासला, दोनों हथेलियां पैरों के बीच में टिकाएं, इसमें सिंह की आकृति बनती है और सिंह की तरह धारा जाता है। पहले श्वास भरें,
जीवा को बाहर निकाल कर सिंह की तरह दहाड़ना है। भरे श्वास स्टार्ट। इस तरह आप 5 आवृत्ति कर सकते हैं। एक बार और कर रहा हूं, आप स्वयं देखें और करते जाएं। भरे श्वास स्टार्ट। फिर से अतिल से गले की मालिश करें। यह था सिंहासन, 5 आवृत्ति इसकी करिए, जुखाम में अच्छा फायदा मिलता है। अब हम और आसन करेंगे, लेट कर करेंगे। तो पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री उठाएंगे। लेटे लेटे पैरों के अंगूठों के नाखून दिखेंगे। होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब 60 डिग्री पर आएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री लाएं। लेटे लेटे पैर के घुटने दिखेंगे, लाएं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे नीचे आए। एक बार और रिपीट करेंगे और 10 के काउंट में रुकेंगे। 30 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे। अब धीरे धीरे आप 60 पर आएंगे। पुनः श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे और रिलैक्स। श्वास मंद और शांत। रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। ये उत्तान पादासन अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अब हम करेंगे मत्स्यासन। सोए सोए जो पद्मासन लगा सकते हैं वो लगाएं। नहीं लगता है पहले पद्मासन की प्रैक्टिस करके लगाना सीखें, और जिनका लगता है वो लगाएं। पद्मासन में आए, राइट पैर फोल्ड, लेफ्ट थाई पर, फिर लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट थाई पर, दोनों हाथ सिर के साइड में, और चोटी का भाग जमीन से लगाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लें और दोनों पैरों को नीचे की ओर जाने दें। यह है मत्स्यासन। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें इसमें। धीरे धीरे हथेलियों का सहारा लें, सिर नीचे रखें और पैरों को खोल दें और पैरों को फैला दें। ये आसन भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अभी इसी में हम आगे और आसन करेंगे। भुजंगासन। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ कंधों के समानांतर रखिए। आप पहले 1 फीट की दूरी पर रखें। श्वास भरते हुए सिर उठाएं, सीना उठाएं थोड़ा। श्वास छोड़े मुंह से। अब पूरे उठ जाएं, गर्दन पीछे, छत को देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अब 6 इंच की दूरी। आइए आधा फिट उठिए। श्वास छोड़े मुंह से। अब पूरे उठ जाइए, कमर तक का भाग, गर्दन पीछे, दोनों हाथ सीधे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए।
दोनों तीलियां सीने के नीचे, प्रयोग नंबर 3 भुजंगासन का, एक आधा फीट उठिए, 2 श्वास छोड़े, 3 सीने का भाग उठाएं, दोनों कोहनी बैंड, गर्दन पीछे, देखिए कमर पर जो प्रेशर आ रहा उसका अनुभव करें, धीरे धीरे नीचे। इससे कमर दर्द में तो आराम मिलता ही है, लेकिन जुखाम में भी अच्छा आराम मिलता है। रिलैक्स, लेफ्ट पैर सीधा, लेफ्ट हाथ सीधा, बालासन में रिलैक्स कर लें, राइट पैर फोल्ड, राइट हाथ फोल्ड, यह बालासन पोस्चर। रिलैक्स, अब दूसरे पैर से भी कर ले बालासन, रिलैक्स। तैयार, बैठने की मुद्रा, ऊपर की ओर आते हुए शशांक आसन में आते हुए बैठिए, दोनों हाथ ऊपर, ये आपको जितने भी आसन बताए गए हैं जुखाम के लिए बेहतरीन है, मुद्राएं भी बताई गई है। अब कुछ प्रयोग और बता रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अनुप्रेक्षा का प्रयोग। जब किसी की बार बार अनुप्रेक्षा किया जाता है, बार बार उसका उच्चारण किया जाता है, तो हमारे माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में वो बात फिट हो जाती है और सब कॉन्शियस उसकी क्रियान्वित कर देता है। तो आप पहले ध्यान मुद्रा में आए, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए, सहज तीनों उंगलियां सीधी रहे, इसे कहते हैं नॉलेज पोस्चर। आंखें कोमलता से बंद करें और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, लूज छोड़ दें। 3 बार महाप्राण ध्वनि करें, भरे श्वास, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम लूज छोड़ दें, शरीर के प्रति जो ममत्व है उसे छोड़ दें। रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स कर लें, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपको अनुप्रेक्षा करना है, मेरा जुखाम अच्छा हो रहा है, मेरा जुखाम अच्छा हो रहा है, मेरा जुखाम अच्छा हो रहा है, इस शब्दावली का 5 बार उच्चारण करना है, मेरा जुखाम अच्छा हो रहा 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 है। इस शब्दावली का 5 बार मानसिक जाप करें आप,
अनुभव करें, मेरा जुखाम अच्छा हो गया है, मेरा जुखाम अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया है। इस तरह आप अनुचिंतन करें और अपने आप में स्वस्थता का अनुभव करें। दोनों हथेलियों में घर्षण करें, करें गरम, पूरे चेहरे पर स्थापित करें, हथेली की उष्मा चेहरे तक पहुंचे, भावना करें, मेरा चेहरा सुंदर हो रहा है, मेरा जुखाम अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे आप नीचे लाएं, आंखें खोलें और बाह्य जगत में बढ़ें। मैंने आपको जुखाम के विभिन्न प्रयोग बताए, प्राणायाम भी बताया, आसन भी बतलाए, मुद्राएं भी बताई, रंग का ध्यान भी करवाया, अनुप्रेक्षा भी करवाई। ये प्रयोग आप नियमित करिए, आपको जुखाम की बीमारी में राहत मिलेगी। इस तरह इस हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचाएं, जिससे पूरे विश्व में लाखों लाखों लोग लाभान्वित हो सके। इसी भावना के साथ ओम अरहं।